धर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई। कबाड़ी वाली, पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओह यस। दोस्तों, फेविकोल को कौन नहीं जानता। जब कुछ चिपकाने की बात होती है तो हिंदुस्तान का लगभग कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो कभी न कभी फेविकोल या इसकी कंपनी पिडिलाइट के कोई भी प्रोडक्ट का यूज ना किया हो। दोस्तों, पिडिलाइट इंडस्ट्री इंडिया की एक ऐसी फेमस कंपनी है जिसने लगातार 20% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक प्यून की नौकरी करने वाले बलवंत पारेख ने 6,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया और 70% मार्केट शेयर के साथ इंडियन एडहेसिव मार्केट का किंग बन गया। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे पिडिलाइट कंपनी की कमाल की बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में, जिसने इस कंपनी की मोनोपोली क्रिएट करते हुए एडहेसिव मार्केट में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। दरअसल पिडिलाइट की केस स्टडी आपके उन फंडामेंटल्स को भी क्लियर करेगी जो हर बिजनेस की सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात में पैदा हुए बलवंत पारेख एक लॉ ग्रेजुएट थे, लेकिन कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए और एक वुड ट्रेडिंग कंपनी में प्यून का काम करते हुए उन्हें पता चला कि मार्केट में केवल एनिमल फैट से ही बना हुआ बदबूदार एडहेसिव भी मौजूद है। अब जरा एडहेसिव का मतलब जान लीजिए। एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला। पारेख साहब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इसमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। दिमाग में एक केमिकल बेस्ड हाइजेनिक एडहेसिव बनाने का आइडिया आया और इस तरह से सन 1959 में पिडिलाइट कंपनी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, मार्केट में कई सारी एडहेसिव कंपनी होने के बावजूद भी पिडिलाइट ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी तरकीब अपनाई जिससे वह सबका फेमस ब्रांड बन गया। आइए जानते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मार्केटिंग। दोस्तों, फेविकोल ब्रांड ने डीलर और रिटेलर पर फोकस ना करते हुए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर और प्लम्बर पर फोकस किया, क्योंकि उन्होंने मार्केट रिसर्च में पाया कि कंस्ट्रक्शन में डिजाइन तो ओनर का होता है, लेकिन लगने वाले मटेरियल का सुझाव यही 3 लोग देते हैं। कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर और प्लम्बर। और कंपनी ने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए इन लोगों को फेविकोल के फायदे बताने शुरू किए और कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर और प्लम्बर को फ्री ट्रेनिंग और बुकलेट देकर इमोशनली फेविकोल के साथ अटैच्ड कर लिया। और जब हमारे प्रोडक्ट का अंतिम यूजर ही हमारा प्रचार प्रसार करने लगे और दूसरों को रिकमेंड भी करने लगे तो सफलता की बुलंदियां दूर नहीं रह जाएंगी। नंबर 2, प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड इनोवेटिव मार्केटिंग। दोस्तों, फेविकोल ने अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग की और लोगों के दिमाग में बसा दिया कि हर चिपकाने वाली चीज फेविकोल होती है। असल में इस कंपनी ने किसी फेमस सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बजाय एक कॉमन मैन को चुना जिससे कि हर आम आदमी इनसे कनेक्ट हो सके। अगर सही मामले में देखा जाए तो अब प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बिकने लगे थे। गौर करने वाली बात यह है कि फेविकोल के टीवी कॉमर्शियल ने हमारे दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। चलिए आपको कुछ याद। धर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई। कबाड़ी वाली, पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओह यस। याद भी दिलाते हैं। दोस्तों, पिडिलाइट ने अपने फ्यूचर कस्टमर बच्चों और यूथ को टारगेट करके एक्रॉन रंगीला, सेव प्लेनेट और माई वर्ल्ड जैसे अनेक सोशल और एजुकेशनल कैंपेन भी चलाए जिससे उनके माइंड में पहले से ही पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू बन सके। नंबर 3, प्रोडक्ट रेंज एंड पैकेजिंग। दोस्तों, एक बार फेविकोल की पहचान बन जाने के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना शुरू कर दिया। चाहे आपको पेपर या फर्नीचर चिपकाना हो, रबर, फोम या कोई भी वॉल पेपर चिपकाना हो, पिडिलाइट के पास सबका सॉल्यूशन था। और कमाल की बात तो ये थी कि फेविकोल हर साइज में मौजूद था। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 5 रुपए, 10 रुपए का ट्यूब खरीद सकते हैं या 50 किलो का बड़ा ड्रम भी खरीद सकते हैं। किसी को अगर महंगा चाहिए तो फेविकोल ले सकते हैं और यदि थोड़ा इकोनॉमिकल चाहिए तो आप फाल्को फिक्स ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी सबकी अच्छी रहे इस बात का पिडिलाइट ने हमेशा ध्यान रखा। नंबर 4, नो स्पेस फॉर कॉम्पिटिटर। दोस्तों, पिडिलाइट की शुरुआत से पॉलिसी रही है कि उन्होंने कॉम्पिटिशन को पनपने ही नहीं दिया। जो भी कंपनी एडहेसिव मार्केट में अच्छा करने लगती या फिर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आती जिसे बनाने में टाइम लग सकता था तो पिडिलाइट उस कंपनी के एक्विजिशन की कोशिश शुरू कर देती और जल्दी से जल्दी उस नई कंपनी को अपना बना लेती। अगर इनके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो सन 2000 में एम सील से शुरुआत करने के बाद स्टील ग्रिप, रॉफ, सार्जेंट टार्ड, कोल स्टार्ड, साइक्लो, होल टाइट, वुडलॉक और फाल्को फिक्स जैसे फेमस ब्रांड को अपने साथ मिला चुकी है। दरअसल पिडिलाइट ने कभी अपने सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और फील्ड में एक्सपेंशन के बारे में सोचा ही नहीं और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ एडहेसिव इंडस्ट्री को लीड करती रही। नंबर 5,
इजी अवेलेबिलिटी। दोस्तों पिडिलाइट ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना मजबूत बना दिया कि हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान में पिडिलाइट के प्रोडक्ट दिख जाते हैं, और असल में जो दिखता है वही बिकता है। एक चीज और बता दें कि सन 2000 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए 10,000 रुपए की वैल्यू 130 गुना बढ़कर आज लगभग 13 लाख रुपए हो गई है। दोस्तों पिडिलाइट के लिए सप्लाई चेन को मैनेज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एडहेसिव प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पर डिपेंड करता है, जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है, और ऐसे कॉम्पिटिटर मार्केट में प्राइस स्टेबल रखकर शीर्ष पर बने रहना हम सबको इंस्पायर करता है। दोस्तों उम्मीद है पिडिलाइट की केस स्टडी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। अब यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।